हेलो प्यारे बच्चों, ऑल वेल, सब मजे में। ओके, चैप्टर नंबर 7 धीरे धीरे एंड की ओर जा रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज में से भी एडिशनल एक्सरसाइज चल रही है अभी हमारी। इट इज ऑन पेज नंबर 267, राइट। तो अभी 267 पेज के ऊपर 7.13 नंबर का जो सम है वो हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सी, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, मतलब क्या दिया है बच्चों, L is equal to 0.5 हेनरी, राइट, एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम, इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड VRMS 240 वोल्ट। नॉर्मली ये VRMS भी बताते हैं, V से भी लिखते हैं, मैं एवरी टाइम बोल रहा हूं। एंड द फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ भी लिख सकते हो या आप न्यू भी लिख सकते हो, राइट। इसी समय पहला क्वेश्चन पूछा है, ए क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, बताएंगे कैसे। ओके फाइन, देन व्हाट इज द टाइम लाइक बिहाइंड बिटवीन द वोल्टेज एंड वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम, मतलब फेज डिफरेंस पूछा है, उसके ऊपर से हमको लाना है टाइम डिफरेंस। तो सबसे पहले मुझे करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट वो भी। सो यहां पे लिखता हूं मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला बच्चों, IM, राइट, IM इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट, VM अपॉन मॉड ऑफ Z। ये Z क्या है बच्चों, इंपेडेंस है। ओके, अभी मैं इंपेडेंस लाऊंगा कैसे, और VM तो दिया नहीं है, VRMS दिया है। सो VRMS का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सो सी, VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन रूट, राइट। अभी मुझे VM रखना है तो मैं रूट टू को इधर लाऊंगा, तो यहां पर हो जाएगा रूट टू VRMS, लेकिन ये तो दिया हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। अभी मोड ऑफ Z दो है, एक इंडक्टर एक रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर इसमें से दिया हुआ है, एक्सएल हमको फाइंड आउट करना है। सो अभी हमारा आंसर यहां से स्टार्ट होगा फॉर एन इंडक्टर, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। What is omega? So you have to write that it is twice pi fl. Frequency का symbol f लिखा है तो मैंने f लिख दिया, कई बार nu लिखते हैं तो भी कोई problem नहीं होगी। So now it is 2, 3.14, f is 50 and this l is 0.5। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका solution निकालोगे यहां पर, So, ये XL की वैल्यू आपको कोई एक आंसर देगी, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो, और ये आएगा यूनिट यहां पर ओम, राइट। अभी मेरे पास क्या करना है यहां पर, सो रूट टू तो रूट टू रहेगा ही रहेगा, VRMS इट इज 240 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर। अभी आर 100 है ना बच्चों, तो मैं स्क्वायर करना है तो मैं 10 टू द पावर 2 लिख दू तो चले, यस इट इज ओके। तो यहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर 2 एंड स्क्वायर ऑफ इट, प्लस ये पूरा मैंने जो फाइंड आउट किया हुआ वैल्यू है ये, और ये वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम आपको भी करना है, यू हैव टू डू द वर्क, राइट। तो आप इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, एडिशन करिए, रूट निकालिए, वो रूट निकालने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो यहां पर रखिए, राइट, एंड इट इज रूट टू इंटू 240। ये आपका काम है कैसे करना है, इजंट इट। नाउ अभी इसके ऊपर से मुझे फाइनली आईएम का वैल्यू कितना मिलेगा, सो दिस आईएम इज अराउंड 1.82 एमपी, दिस इज अवर आंसर, राइट। आई बात समझ में। अभी मेरे पास बी में कुछ कैलकुलेशन पूछा है, क्या पूछा है, वॉट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। अभी वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ टाइम लैग है, कौन आगे कौन पीछे वो सब कुछ डिसाइड करना है।
So in LR circuit, voltage is ahead with the current with the phase pi, no, pi by 2, no. कोई भी फेज एंगल होगा, तो मैं आपको वो फेज एंगल कितना होगा वो मैं सिर्फ आपको यहां पे डायग्राम से बताता हूं. सी ऐसा डायग्राम, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द एक्सएल एंड दिस एंगल इज फाई. तो फाई ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अगर मैंने इसको फेजर डायग्राम में बताया, फेजर डायग्राम में, तो यहां पर ये होगा बच्चों के वोल्टेज आगे रहेगा, करंट इसके पीछे रहेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा. सी दिस इज द वोल्टेज फेजर एंड दिस इज द करंट फेजर, और ये दोनों के बीच का फाई होगा. ऐसे दोनों के बीच में कुछ चेंज हो सकता है, राइट? और ये फेज मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, अगर फेजर डायग्राम ऐसे ड्रॉ नहीं करना है तो आप ये फेजर डायग्राम को यहां पे छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, राइट? सिर्फ आपकी समझ के लिए. तो अभी मुझे टेन फाइव चाहिए. सो फेज, और यू कैन से दैट टेन फाइव इज इक्वल टू जस्ट राइट एक्स एल डिवाइडेड बाय आर. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक्स एल है क्या? तो ये वैल्यू. आर है क्या? 100. सो इफ यू फाइंड आउट दिस रिजल्ट, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा 1.57. मतलब यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो 157 होगी एक्सएल. तो यदि 157 हो जाएगी, तो यदि 157 हो जाएगी, फिर आंसर निकालो आप. अभी ये टेन फाइव जो है 157 आपको मिल गया, एंगल 157. उसके ऊपर से अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो, ये रेडियन में है, रेडियन, राइट? जब जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाट अबाउट द कन्वर्जन इन द डिग्री, और उसकी जरूरत क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं कि इसका जरूरत डिग्री में क्यों है वैसे. ओके, सो नाउ सबसे पहले टाइम डिफरेंस की बात कर लें. फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों 50 हर्ट्ज. सो यू कैन से दैट हियर F is equal to 50 hertz. So therefore T is equal to 1 upon F and it is 1 upon 50. तो ये 1 upon 50 का आंसर क्या मिलेगा? So 1 upon 50 का आंसर मिलेगा 0.02 second. मतलब क्या हुआ पता है? ये 0.02 second का मतलब क्या हुआ पता है? एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसको इतना टाइम चाहिए. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल का मतलब आप समझ सकते हो ऐसा, सॉरी, एक साइकिल का मतलब समझ सकते हो ये वाला. अगर ये साइकिल कंप्लीट करना है तो मुझे टाइम चाहिए 0.02 सेकेंड. इतना टाइम होगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है, राइट? अभी साइकिल के साथ में कार चाहिए? नहीं. बाइक चाहिए? नहीं. साइकिल मतलब ये पूरा, ये वाला, वो साइकिल कार की बात नहीं हो रही है, है ना? अभी जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग यहां पर बताएंगे फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस इन रेडियन, राइट? एंड यहां पर बताएंगे टाइम डिफरेंस, राइट? अभी जो मेरे पास यहां से एंगल मिलने वाला है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर 2π जितना फेज डिफरेंस होता है, then what about the time difference 0.02? क्योंकि ये 2π का मतलब होता है, यहां से देख सकते हो ये 0, ये पाई, ये 2π, राइट? तो 2π जितना फेज डिफरेंस मतलब टाइम डिफरेंस होता है 0.02, और अभी मेरे पास 1.57 जो है उसका कन्वर्जन कर रहा हूं मैं रेडियन के लिए. तो उसमें कितना होगा आंसर, राइट? यहां से यूनिट निकाल देते क्योंकि ये रेडियन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इन रेडियन लिखा है मैंने इसीलिए. नाउ इसका आंसर लेने के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ में डिवीजन, तो ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 1.57 इंटू पाई इंटू 0.02 माई डियर डिवाइड बाई 180 एंड विद दिस 2π. ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये 2 के साथ में इसको कैंसिल कर दो, 0.01, इसको इसके साथ में डिवीजन में ले लोगे, देन यू आर गेटिंग द आंसर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड. इट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी इसको निकाल देते तो मिली सेकेंड.
So this is the time difference between the voltage and current. So here the time difference between V and I is 3.2 millisecond. कौन आगे कौन पीछे? तो obvious है, LR सर्किट है प्यारे बच्चों, LR सर्किट है तो ऑब्वियसली वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा. करंट इतना पीछे रहेगा, वोल्टेज उतना आगे रहेगा. कितना आगे पीछे? टाइम के हिसाब से ये और एंगल के हिसाब से ये. गेट द आंसर? नाइस. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 7.14. क्या लिखा है 7.14 में समझते हैं. राइट, देख क्वेश्चन क्या है. Obtain the answer A and B in exercise 7.13. तो एग्जाम में तो ऐसा पूछेंगे नहीं आपको, एग्जाम में ये सब कुछ दे देंगे. राइट, फिर पूछेंगे इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई. हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई का मतलब देखो, ये वोल्टेज तो 240 रखा ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी करने के लिए बोल दिया? 10 किलो हर्ट्ज बच्चो. राइट, so now I have to change this one. It is 10 kilohertz. 10 kilo का मतलब समझते हो ना, 10 into 10 to the power 3 hertz. So total हो जाएगा ये वाला 10,000. Right? And it is hertz. Right? Okay. अभी hence explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. Okay, how does an inductor behave in a DC circuit after the steady state? तो ये होता है तो करंट कितना पास होता है वो चाहिए, क्योंकि ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का आपको समझ में है. ओपन सर्किट का मतलब ऑलमोस्ट करंट पास होना ही नहीं है, isn't it? और क्लोज सर्किट मतलब मैक्सिमम करंट. उसके बाद में फेज भी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे लास्ट में कि डीसी सप्लाई होगा तो क्या हो सकता. राइट, तो सबसे पहले मुझे करंट चाहिए. सो करंट का जो फॉर्मूला लास्ट सम में हमने बताया था, Im इज इक्वल टू रूट टू VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. राइट, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया गया था. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी रूट टू तो रूट टू रहेगा ही, VRMS तो वैल्यू तो सेम है, अंडर रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर. एंड वॉट अबाउट दिस एक्सएल? तो मैं एक्सएल का फॉर्मूला आपको बता दू बच्चो. सो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दिस इज 2πfL. राइट, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं, 2πfL एंड स्क्वायर ऑफ इट. अभी देखते हैं कि आई एम क्या मिलेगा मुझे. सो देयर फॉर दिस आई एम इज इक्वल टू रूट टू तो रखूंगा ही, वी आर एम एस देख लो 240. राइट, देन अंडर रूट ये आर का मतलब 100, तो मुझे मिलेगा 100 और उसका स्क्वायर. देन आफ्टर 2, देन करना क्या है बच्चों? करना ये है कि आपको सब वैल्यूज साथ में लेकर चलना है. कौन सी वैल्यूज को साथ में लेकर चलना है? तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी. नाउ सी द फ्रीक्वेंसी 1000, नो 10,000. राइट, then okay, अभी भी L बाकी रहा, L is 0.5, then square of it. आप बोलोगे सर इतना सारा? yes, करना पड़ेगा ये सब कुछ. तो ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करो और इसके साथ में एड करना है. दो नंबर का एडिशन करना होता है ना, तो पावर सेम होना चाहिए. अभी इसका पावर 4, तो इसमें से पावर 4 को बाहर ले लो, बाकी के जो नंबर बचते हैं ना उसके साथ में एड करना पड़ता. So add like this and उसका आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर मिलता है, इट इज अराउंड 0.011 एम्पियर एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0 एम्पियर. बात क्या हुई बताइए मुझे. सो बात यह हुई कि यहां से करंट ही पास नहीं होता है. इफ द करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द सर्किट देन इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट. सो यू कैन से दैट हियर I is equal to or approximately 0. So therefore the circuit
is in the open circuit condition, is in the open circuit condition, right? ओपन सर्किट की कंडीशन में वो आपको मिल सकता है, जो हमारा क्वेश्चन था. दूसरा, अभी फेज फाइंड आउट करना, फेज एंगल. सो देयर फॉर बी है ना फेज चाहिए. सो टेन फाइव इज इक्वल टू, यू कैन से दैट दिस इज एक्सएल अपॉन आर. बताया था एक्सएल अपॉन आर कैसे आया, वो फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए. सो दिस इज फाइव, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज एक्सएल. एक्सएल का फॉर्मूला भी क्या है वो भी मैं आपको बता दू. इस इज टू पाई एफ एल अपॉन दिस आर. अभी 2, 3.14, एफ इज 10,000 प्यारे बच्चों, एंड एल इज 0.5. माय डियर, यहां पर आंसर आपको इजी मिल जाएगा. दो जीरो यहां से कैंसिल कर दो, 0.5 इंटू 2 इट इज 1. अभी 100 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो. सो देयर फॉर योर आंसर फॉर 10 इज इक्वल टू 314 हो जाएगा, 314, राइट. अभी ये इतना आंसर मिला आपको तो ये क्या बता रहा है. सो देयरफॉर यू हैव टू से दैट दिस 5 टेंड्स टू पाई बाई 2. 5 का वैल्यू पाई बाई 2 से बहुत नियर बाई होगा. रीजन है कि 10 का वैल्यू मैक्सिमम 90 के ऊपर मिलता है. इनफाइनाइट 1090 इज इनफाइनाइट. क्यों? तो साइन 91 कॉस 90 जीरो, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा. ऐसे आपको यह आंसर मिलेगा. अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है पता है बच्चों? दूसरे क्वेश्चन में यह पूछा है कि हाउ डज द इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट. डीसी सर्किट है, एसी नहीं है. अगर डीसी सर्किट है तो बच्चों ये एफ जीरो हो जाएगा. सो इन केस ऑफ डीसी, इन डीसी दिस एफ इज इक्वल टू जीरो, राइट. सो इफ I is approximately IM, then it is constant. वो चेंज नहीं होगा अपने आप. क्यों? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो जीरो है डीसी के लिए. सो इफ दिस आई एम इज कॉन्स्टेंट, देन वॉट कैन आई से? आई से दैट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा. देर फॉर दिस ई इज इक्वल टू एल इन टू दिस डी आई बाई डी टी, इट इज ऑल्सो जीरो. तो यहां पर ये भी जीरो हो जाएगा, ई एम एफ भी जीरो हो जाएगा. मतलब उसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा. सो व्हाट कैन आई से? इन द केस ऑफ डीसी सर्किट लिखना पड़ता है, लिखने के आंसर मिलते हैं, रीड करने के, बोलने के आंसर नहीं मिलता है. मैंने आपको समझाना इसीलिए, इतना सारा लिखू तो ये डिस्क्रिप्शन में ही बोर्ड खत्म हो जाएगा, बोर्ड पूरा भर जाएगा. सो इन द केस ऑफ डीसी यू कैन से दैट इफ द change of current is zero, no EMF is generated, no induction, no induced EMF is there, no self inductance is there, so what can I say? Just I say that here this inductor circuit, inductor part is same as the conductor. मतलब उसके पास कोई property नहीं है. Inductor के पास inductive property तभी होती है जब उसके पास frequency होती है. If there is no frequency, then there is no inductive property. फिर से, if there is no frequency, then there is no inductive property with this circuit. So that's why what I say, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही बोल रहा हूं कि ये condition के अंदर inductor, inductor जैसा behave नहीं करेगा. It behaves like the conductor, that means in this condition. Correct? तो ये सेम चीज जो अभी कैलकुलेट किए दो सम में, वैसा का वैसा आगे के दो सम में है जिसमें कैपेसिटर के साथ में काम करना है. सेम टू सेम, राइट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 267 के ऊपर, 7.15. अ 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया है, सी इज इक्वल टू 100 माइक्रो का मतलब होता है 10^6 फेरेड, राइट. ओके, then in series with 40 ohm resistance, that means R is equal to 40 ohm, right, is connected to a 110 volt supply, that means V is equal to 110 volt, right. Then after 60 hertz frequency, so F is equal to 60 hertz. Dekho 13 ke jaisa hi question pucha, what is the maximum current in the circuit, what is the time lag behind the between the current and the maximum, करंट मैक्सिमम एंड दी वोल्टेज मैक्सिमम. फिर से वही जाएंगे. देखो
I m is equal to, you can say Vm upon mod of z. Vm की जगह पर मुझे लिखना है root 2 Vrms. अभी last time समझाया था, तो यहां पर direct लिख रहा हूं r square plus xc square. अभी r तो दे दिया है 40, xc find out करना है. So xc is equal to, it is 1 upon omega c. It is 1 upon 2 pi f into c. 1 upon 2 pi की जगह पर 3.14, f की जगह पर 60, साथ में मेरे पास c 100 into 10 to the power minus 6. अभी आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये तीन जीरो उठा लो, तो माइनस 3 बचेगा, ऊपर ले जाओ तो 1000 बचेगा, तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन एंड दिस वन, सो इट इज 2 into 3.14 into 6 एंड योर आंसर, डिवीजन तो कर सकते हो भैया, सो योर आंसर इज अराउंड 26.54 ओम. ये आपका आंसर हो गया. अभी डायरेक्ट यहां पर रख दो, सो इट इज रूट 2. देन वीआरएमएस, बच्चों वीआरएमएस 110 है. 110 का मतलब इंडिया में नहीं होता 110, 110 यूएस में होता है, 60 हर्ट्ज यूएस में होता है. सो नाउ इट इज रूट आर का स्क्वायर, सो इट इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर प्लस 26.54 स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, देन इट इज रूट 210 डिवाइडेड बाय जो यहां पे नंबर मिलेगा, स्क्वायर करके एडिशन करके रूट करके, देन आफ्टर योर आंसर इज इट इज इक्वल टू इन एम्पीयर. तो फाइनल आंसर मिलता है आपको 3.24. सो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.24 एम्पीयर, राइट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट. सो अगेन सेकंड चाहिए, व्हाट इज द टाइम लेग, तो बी चाहिए. सो उसके लिए मैं फेज फाइंड आउट करूंगा. So here I just say that tan phi is equal to what? Again xc upon this r. कैसे आया ये फॉर्मूला? तो फिर से मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला, ये हो गया phi, ये हो गया r, ये हो गया xc, right? What is xc? आपको वैल्यू मालूम है. So this is equal to, you can say that 26.54 divided by r. R का मतलब होता है 40. So, आपको कुछ आंसर मिलेगा यहां पर 0 पॉइंट समथिंग करके. वो आंसर क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग वाला? सो इट इज 0 पॉइंट, ओके, ये माइनस आएगा, ये आएगा माइनस. क्यों माइनस आएगा उसका रीजन मैं आपको समझाऊं, राइट. तो ये माइनस माइनस आएगा, इसका रीजन दिस वन. हाँ, क्यों माइनस आएगा? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे xc माइनस एक्सएल होता है, तो xc नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि इसका इंपेडेंस जो होता है वो अगर इंडक्टर का प्लस लेते तो इसका माइनस, इसका माइनस लेते तो उसका प्लस. लास्ट 7.13 में xl प्लस लिया था, इसीलिए यहां पर xc माइनस लेने वाले. सो इट इज माइनस 1 अपॉन r ओमेगा c, इट इज माइनस 1 अपॉन r इंटू 2 पाई f इंटू c. सो देयर फॉर दिस tan phi इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सॉरी r का वैल्यू कितना है बच्चों? 40, देन 2, देन 3.14, देन f इज 50, राइट, सॉरी 60 है, 50 नहीं है, 60 है बच्चों, 60. And see, it is 100 into 10 to the power minus 6, not 3, minus 6. So therefore, this tan phi is equal to minus. Kitna aega answer? So it is minus 0.66 and 3/1. According to this, what about the angle phi? So yahaan par aapko angle milega. Therefore, phi is equal to tan inverse of 0.6631. So therefore this phi is equal to, your answer is minus 33.5 degree. आपको तो 10 के टेबल में ही देखना है, ये माइनस प्लस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, राइट. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, राइट. तो इसके बाद में जो करना पड़ेगा वो ये रहेगा कि अभी लास्ट टाइम जैसा 2 पाई, मेरे पास 2 पाई रेडियन है,
तो यहां पे लिखूंगा फेज इन रेडियन, देन यहां पर मेरे पास टाइम है, तो मुझे फिर से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सी द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज दिया है बच्चों, है ना, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू दिस वन, सो 1 अपॉन 60 एंड 1 अपॉन 60 करेंगे ना तो ओके कोई सेकेंड चलेगा, सो हियर 2 पाई इज द फेज, देन द 1 अपॉन 60 इज द टाइम, देन इट इज 33.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? यहां पर थोड़ी केयर करनी जरूरी है, थोड़ी केयर का मतलब क्या पता है? लास्ट टाइम मैंने यहां पे 1.57 लिख दिया था, लास्ट टाइम मैंने वहां पर 1.57 लिख दिया था, और वही चीज यहां पर मुझे क्या करनी है, रेडियन में कन्वर्ट करनी, इसीलिए यहां पर ऐसा, और वहां पर कन्वर्जन जरूरी होगा। ओके, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना वो सम के अंदर, कि जहां पर मैंने 1.57 लिखा है ना वहां पर उसका एंगल फाइंड करना है और उसके बाद में इसको करना है, अदरवाइज 1.57 इज ओके। आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 7.13 में से निकाल दो, फिर से बोल रहा हूं 7.13 में से वो वाला निकाल दो, कौन सा वाला, ये टर्म 1.57 इज ओके इन दैट वे, राइट। सो नाउ यहां पे टाइम डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सो टाइम डिफरेंस होगा 33.5 इंटू पाई, पाई का मतलब होता है 3.14, ओके पाई रखते हैं, चलो कैंसल होने वाला, इसलिए 1 अपॉन 60, राइट, देन आफ्टर ये 60 हो गया, 180 हो गया एंड साथ में 2 पाई हो गया, ये कैंसिल कर दो, अभी आपको आंसर क्या मिलेगा, दिस इज 60, तो अभी आपको आंसर मिलेगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड एंड योर आंसर इज 1.55 मिली सेकेंड। लेकिन यहां पर इंडक्टर नहीं है, यहां पर कैपेसिटर है, तो क्या बताएंगे बच्चों? यहां पर ऐसा बोलेंगे कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट विद दिस टाइम, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड दिस करंट विद दिस वन, ओके, इतने एंगल से और इतने टाइम से वोल्टेज पीछे और करंट इससे आगे। फिर से एक बार, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के अंदर करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, जाके ग्राफ भी चेक कर लो आरसी सर्किट का, तो भी मालूम पड़ जाएगा कि करंट आगे होगा एंड वोल्टेज पीछे रहेगा, करेक्ट। एक करेक्शन मैंने आपको बताया, कौन सा वाला करेक्शन बताया, कि ये जो एंगल लिखा है मैंने यहां पर और वो वाले सम के अंदर 1.57 इज इन द रेडियन, 1.57 वो रेडियन में ही है, ये मल्टीप्लीकेशन वहां पर जरूरी नहीं है, तो थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7.16। मैंने बोला था आपको कि 7.13 और 7.14 जैसे है वैसे 7.15, 16 है, डिफरेंस क्या है? 7.13 एंड 14 के अंदर इंडक्टर के साथ में, 7.15, 16 के साथ में कैपेसिटर के साथ। देखते क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन द आंसर्स ए एंड बी इन द एक्सरसाइज 7.15 इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, ये जो 110 वोल्ट है, ओके, देन आफ्टर 110 वोल्ट एंड 12 किलोहर्ट्ज सप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ इज इक्वल टू 12 किलोहर्ट्ज, राइट। किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है बच्चों, बता ना, अभी बताया था आपको 12 × 1 × 3 हर्ट्ज, यू कैन ऑल्सो राइट 12 × 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, राइट, ऐसा है ना। उसके बाद हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट द कैपेसिटर इज अ कंडक्टर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ, कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ द कैपेसिटर इन द डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। जैसे इंडक्टर में डीसी समझाया था वैसे यहां पर समझाना है, सेम प्रोसेस सेम थिंग, ओके। सबसे पहले मैं करंट का फॉर्मूला लिखूंगा, आई एम इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चों, वीएम अपॉन मॉड ऑफ जेड बताया था, लेकिन वीएम नहीं है मेरे पास तो मैं लिखूंगा वी आर एम एस रूट टू और मॉड जेड का आंसर आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, है ना। एक्सएल इज इक्वल टू क्या है तो मैं फिर से आपको बता दू, एक्सएल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ
into c, ये हो जाएगा x. ओके बच्चों, अभी आप यहां पे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. सो रूट टू देन वी आर एम एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर. सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना. ओके अभी आपको ये यहां पे कैलकुलेट नहीं करना है तो साइड में कर दो और फिर वापस सब वैल्यू लेकर आओ, कोई इश्यू नहीं है. बेटर के साइड में कैलकुलेशन कर, राइट. लेकिन यहां पे मैं अंदर ही कैलकुलेट कर देता हूं. सो दिस आई एम इज इक्वल टू रूट टू देन बी आर एम एस, कितना है बच्चों बी आर एम एस 110 देन डिवाइड बाय अंडर रूट, राइट. रूट में जितना वैल्यू है बच्चों, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एक तो आर, आर इज 40 का स्क्वायर, देन इट इज 1 अपॉन डिवीजन में 4 तो 4 3.14 का स्क्वायर, देन एफ 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 ओके 144 12 का स्क्वायर किया मैंने और 10 टू द पावर 6, देन आफ्टर सी का स्क्वायर 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर करोगे -12. अभी थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये और ये 10 हो जाएगा, 10 होने के बाद ये हो जाएगा -2, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो आप यहां से रूट टू 110 देन अंडर रूट के अंदर 40 का स्क्वायर, देन यहां पर 1 अपॉन 4 देन 3.14 का स्क्वायर, ये दो पावर ऊपर गया तो 100 हो गया, है ना, देन 144. बच्चों सिंप्लीफाई करो अपने आप, तो अभी करंट का आंसर क्या मिलेगा, यू विल गेट द आंसर दिस आई एम इज इक्वल टू 3.89 एम्पियर. दिस इज 3.89 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा. अभी हमको आई एम डैश कैलकुलेट करना है. आई एम डैश क्यों आई एम डैश चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई एंड बी दोनों पूछा है ना, तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ओके हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट कैपेसिटर. ओके अभी आई एम डैश क्या है, सो आई एम डैश इज द करंट व्हेन देयर इज ओनली अ रेजिस्टेंस. इफ ओनली आर इन द सर्किट देयरफॉर आई एम डैश इज इक्वल टू आई जस्ट राइट आई एम सॉरी वी एम अपॉन आर, then it is root 2 VRMS upon R, then it is root 2 110 divided by R. R का मतलब ये R देख लो, ये R 40 है, तो अभी ये आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों 3.888 एम्पियर समथिंग, ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है ऑलमोस्ट. सो हियर You can say that I am is approximately equal to I am dash. Dono same. Now what about the phase? Phase कितना होगा? देख लेते हैं. Tan phi is equal to दूसरा question है ना. Tan phi is equal to what? Tan phi is equal to you can say that XC upon this R. XC का मतलब होता है आपको बताया 2 pi FC into this R. एफ देख लो प्यारे बच्चों 10 टू द पावर 3 है, आप इसका कैलकुलेशन करोगे देन इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आप चेक कर लेना राइट वैल्यू के साथ में. देन आफ्टर फाइनली क्या होता है इन द केस ऑफ डीसी सर्किट, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, in the case of DC supply the frequency f is 0, so therefore xc is equal to 1 upon 2 pi f ka value 0 le leta hu main c, to koi bhi capacitor ke liye ye ho jayega infinite. agar bachcho ye infinite ho gaya to uska matlab kya hua, capacitor circuit mein hoga to wo current ko pass hone hi nahi dega,
करंट तब तक पास होगा जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक ये प्लेट यहां से प्लस यहां से माइनस. वंस द सैचुरेशन इज गेटिंग दैट मींस मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इफ दिस कैपेसिटर बिकम्स क्यू नॉट क्यू मैक्सिमम, देन आफ्टर नो करंट इज इन द सर्किट. देन आफ्टर वो कंडीशन में वंस इफ क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम द करंट थ्रू द सर्किट इज जीरो एंड देयरफॉर इट विल वर्क एज द ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब होता है वो की जैसा, की ओपन कर दी अंदर से करंट जीरो, तो बस ये कंडीशन यहां पे मिल जाती है, राइट. सो ऐसे सम्स में से आपको कुछ समझना मिलता है और ऐसे इक्वेशंस आपको कहीं ना कहीं मिले कि वंस इफ वी अप्लाई द डीसी सोर्स टू द कैपेसिटर देन द सर्किट बिहेव्स एज, तो आप लिख सकते हो इट बिहेव्स एज द ओपन सर्किट. फाइन.